उसकी मृत्यु के कारण बन गई। घटित सत्य घटना ही, मैं तो बहुत जोर जोर से रो रही थी कि बालाजी मैं क्या करूं, कैसे रह जाऊंगी इस रूम में, कैसे घर पर मैं मुंह दिखाऊंगी बालाजी। पर मेरी बालाजी ने बहुत सुनी, तेनू जी के पास खबर गई, उन्होंने भभूति दे दे के उन्होंने कहा यही डालो। उसके मतलब ये है कि वो डेथ हो चुकी थी उनकी, वो जीवित हो गई, जीवित हुई है, जीवित हुई है। 3 घंटे बाद उसको हल्की से सांस आई, हे बालाजी राम राम करके लड़की हमारी खड़ी हो गई। बोलो सीताराम, सब लोग सीताराम, सीताराम। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए, आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो, वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? अंधविश्वास में तो नहीं धकेल रहे? महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूँ, मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघविंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं कह रहा हूँ आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन। क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना, और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे। पूरे भारत को अंधविश्वास में धकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और मैं 3 दिन से इस सच्चाई का पता लगा रहा था, और एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि ये लाइव दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था, जो इन्होंने बताया है वो सच है, और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूँ, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा बागेश्वर धाम की जय। आज के बाद, क्योंकि आज हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, आज के बाद अब हम कभी भी किसी को भी किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया, फर्स्ट और लास्ट है। अब आपका एक हम बताएंगे, और आज के दरबार को, क्योंकि हम पूर्ण होश में नहीं है, इसलिए आज के दरबार को हम बालाजी की अनुमति से आए थे, और आज के दरबार को किसी के सामने